नमस्कार, मिड डे न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस मौत का उत्सव मना रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस मौत का उत्सव मना रही है, लगातार ऊंची राजनीति करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनी हुई है जो चुपचाप सब देख रही है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं कि तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय, कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने ये बयान दिया है? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही है? आप कार्रवाई कीजिए। और अगर आप सहमत हैं, चलिए अब सीधा न्यूज रूम ले चलते हैं आपको, जहां मेरी सहयोगी अनन्या चतुर्वेदी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई है। अनन्या, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, क्या कांग्रेस की अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? लगातार कमलनाथ की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कई दिनों से जो है कमलनाथ की कई सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बयान उन्होंने दिया था किसानों को आग लगा देने वाला, वो बयान भी जो है गर्माया था। और ऐसे में अब एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रद्रोह का आरोप जो है उनके ऊपर लग रहा है। यहाँ पर उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में है। ऐसी मुश्किल घड़ी में जो कमलनाथ जी को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, सरकार की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो इन सब के बजाय जो है राजनीति में लगे हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इससे पहले पूरे कोरोना काल में जब इतना संकट चल रहा है, इस बीच कोई भी सामने नहीं आया कांग्रेस नेता, उस टाइम वो नेता कहाँ थे, ये बात उन्होंने पूछी है। अब जब मामला गर्मा रहा है तो मौत के आंकड़ों पर जो है लगातार यहाँ पर सियासत कर रही है कांग्रेस, ये आरोप यहाँ पर बीजेपी लगा रही है। तो यहीं कांग्रेस भी कम नहीं है, कांग्रेस ने भी अपने लगातार आरोप का दौर जो है जारी रखा है। और ऐसे में लगातार जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर या फिर सत्ता की सरकार पर जो है लगातार आरोप लगा रही है कि ऐसा कुछ जो फिलहाल पार्टियां कर रही हैं ये कोई सही बात नहीं है। लेकिन इस वक्त मौत के आंकड़े जो है वो बड़े हैं और सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है। इन सभी बातों को लेकर जो है कुछ दिन पहले जो है नरोत्तम मिश्रा जी के बयान सामने आया था, उन्होंने भी कहा था कि ये जो मौत की सियासत है, अगर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी। तो इन सभी बातों से सामने निकल के आता है कि लगातार यहाँ पर जो माहौल बन रहा है इस कोरोना के टाइम में, यानी कि इस पेंडेमिक के टाइम में जो माहौल बन रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि राजनीति में जो कांग्रेस और भाजपा है उसके कुछ नेता जो हैं, कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो राजनीति में लगे हुए हैं। तो वहीं भाजपा का आरोप है कि ऐसे वक्त में राजनीति नहीं, हमें सहयोग चाहिए था। और कुछ दिन पहले भी जो है जब कोरोना का संकट काल फिर से शुरू हुआ था, दूसरी वेव जब आई थी, पर यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम दूसरी पार्टियां हैं, जो सभी लोग हैं, सहयोग मांगते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में जो है साथ दें, एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मामला कुछ और होता जा रहा है और लगातार यहाँ पर कमलनाथ के ऊपर जब FIR हो गई कल, तो अब जब है कांग्रेस नेता जो है वो भी यहाँ पर FIR कराने पहुँच गए हैं। लगातार देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पूरी राजनीती जो है वो अब बयानों पर आती जा रही है, जबकि फिलहाल की जो असल स्थितियां हैं उन पर कोई विचार विमर्श या फिर उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो बिल्कुल अनन्या, देखने वाली बात होंगी कि आगे किस तरह की रणनीति दोनों ही दल की अब बनती हुई नजर आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ना रहते हुए सीधा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है, जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने बयान में जिक्र किया। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस मौत का उत्सव मना रही है, सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनी हुई है जो चुपचाप इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।